Live, a platform to sharing your thoughts. नमस्कार दोस्तों, सिटी लाइव के शब्द संसार कार्यक्रम में आपका बहुत इस्तकबाल। सिटी लाइव का ये शब्द संसार जो कार्यक्रम है, ये उन नौजवान लोगों के लिए है जो नई रचनाएं लिखते हैं। एक मंच के तौर पे, एक प्लेटफॉर्म के तौर पर उनको एक ऐसी जगह देना जहां से वो अपनी रचनाएं लोगों के सामने रख सकें। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल सभी देखने वाले दोस्तों का। आज जो एक दुनिया है दोस्तों, वो एक ऐसा माहौल है, वो एक हम कह सकते हैं कि जिंदगी ने एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर ली है जिसमें एक डर है, हम सभी सहमे हुए हैं। लेकिन सच ये है कि जो जिंदगी है उसका जो मकसद है वो चलते रहना है। जिंदगी का मकसद है मुसलसल अपनी गति से चलते रहना है। आप यकीन रखिए दोस्तों, सड़कें समुंदर जैसे फिर लोगों से लबालब होंगी, फिर हमारी जिंदगी पर, फिर हमारे चेहरे पर वही मुस्कान होगी। मिराज फैजाबादी ने लिखा है कि खुश्क शाखों और नई कलियों की हिफाजत के लिए फूल मजबूर है खुशबू की तजारत के लिए। तो हम सब इस एक जो है अपने जिंदगी की कश्मकश और जद्दोजहद को फिर से उसी गति के साथ में हम लोग चलेंगे दोस्तों, ऐसा मेरा यकीन है। हरवंश राय बच्चन ने लिखा कि नीड का निर्माण फिर नेह का ऐवान फिर वह उठी आधी कि नब में छा गया सहसा अंधेरा, धूली दूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा, रात के उस भात वैसे भीत जन जन भीत कण कण, रात के उत्पात वैसे भीत जनजन भीत कंकण, किंतु प्राची से उषा की मोहनी मुस्कान फिर नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। तो दोस्तों हम फिर वही हम जिंदगी पर पटरी बिल्कुल लौटेंगे। दो मेहमान हमारे साथ में हैं, मैं उनका तारुफ करवाना चाहूंगा। शकुंतला सरुपरिया जी हमारे साथ में है, जो राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में विख्यात हैं अपनी कविताओं के लिए, कवित्री के तौर पर, गीतकार के तौर पर लोगों ने इन्हें खूब सराहा, खूब सुना। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ हैं और यकीनन अपने कलाम से हमें नवाजेंगी। और मेरे युवा दोस्त अनंत गुप्ता हमारे साथ हैं, जिनके फेसबुक पर कुछ अशार और कुछ जो है वो जो इनकी जिस तरीके से इनका जो तर्ज बयां है उसने बड़ा आकर्षित कर दिया, उसने हमें बड़ा फैसिनेट कर दिया और यहाँ लाने पर हमें मजबूर कर दिया। तो मैं शकुंतला सरुपरिया जी की तरफ जाता हूँ। मैम स्वागत है आपका, आप बताएं अपने बारे में कुछ। और पेशे से वैसे मैं पत्रकार रही हूँ, और उसके बाद मैंने तनिमा नाम से अपना मासिक पत्रिका 14 वर्षों तक संचालित प्रकाशित किया, और स्टेज पॉइंट हूँ, और साथ ही मैं मंच संचालन भी किया करती हूँ, और मेरे 16 ऑडियो कैसेट राजस्थानी और हिंदी में हैं। मेरी दो पुस्तकें अकेडमी से प्रकाशित हुई हैं, राजस्थानी में हेवड़ारो हेलो और हिंदी में मेरी कहानियों सी बेटियाँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर मेरी कविताएं जो हैं बेटियों के नाम, नारी के नाम मंसूब होती हैं। और आज आप सामने सम्मुख प्रस्तुत हूँ मात्र दिवस की, आप सभी को पुनः पुनः बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम आपको। अनंत अनंत गुप्ता जी, तो अनंत मैंने आपके जो अशार देखे फेसबुक पे, जो आपका तर्ज बयां देखा, मेरे को फरत अब्बास शाह का एक शेर याद आ रहा है कि उसने पूछा कि फरत बहुत हसीन हो तुम तो मुस्कुरा के कहा कि सारा जमाल दर्द का है। तो अनंत जी बताइए आप क्या क्या राज है? राज तो जी देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है सारा सुशांत, चाहे मीर रहे हो, चाहे गालिब रहे हो, चाहे जॉन रहा हो, या आज के जमाने के भी कोई शायर रहे हो, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है एक मोहब्बत की टीस जरूर रहती है। बिल्कुल तो
वो मोहब्बत की टीस किसी को पहली पे लगती है, किसी को पांचवी पे, किसी को दसवीं पे। बिल्कुल, बात को बात को बात को। अच्छा मुझे मुझे पहली पे लग गई थी छोटी उम्र अरे में, तो क्या बात है, ठीक है। इसलिए। चलिए तो दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं शकुंतला जी से। शकुंतला जी, हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे और आप कार्यक्रम का धन्यवाद। आगाज करें। आगाज करें। बेटी के नाम मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं, लेकिन माँ के नाम भी मैंने कुछ शायरी की है। आइए मैं एक गजल से जोड़ती हूँ। उससे पहले मैं बिल्कुल एक किस्सा बिल्कुल बिल्कुल, सुनाना चाहती हूँ कि एक बार एक मृदंग वादक जो है नदी के किनारे बैठा रहता, रोज बजाता, और एक छोटा मेमना उसके पास आके रोज उस मेमना उस मृदंग की आवाज सुनता। तो रोजाना उसकी लय ताल को सुनता रहता। तो मृदंग वादक ने पूछा एक दिन कि जब भी मैं मृदंग बजाता हूँ तुम आ जाते हो, क्या कारण है, तुम्हें मेरा संगीत बहुत पसंद है। तो उस मेमने ने कहा कि नहीं, मुझे लय ताल संगीत से कोई लेना देना नहीं है, पर जो मृदंग पे चमड़ा चढ़ा हुआ है वो मेरी माँ के चमड़े से जो मंडित है आपकी मृदंग, और इसी वजह से जैसे ही माँ आवाज देती है मैं आ जाता हूँ। तो जब एक क्या बात, पशु एक जानवर इस तरह से अपनी माँ से जुड़ाव रखता है, तो हम तो समझ सकता इंसान हूँ। हैं, हम तो इंसान हैं, और माँ का हर वक्त हमारे सामने चेहरा जरूर याद आता है। आइए मैं अपनी गजल से आपको बिल्कुल सबसे बिल्कुल, पहले जोड़ती हूँ। बहुत बहुत स्वागत स्वागत है मैम। जी, कितनी मुश्किलें हूँ, माँ का चेहरा याद आता है हमेशा ही, दुआओं का वो पहरा याद क्या आता बात है। बकरा, कितनी मुश्किलें हूँ, माँ का चेहरा याद आता है हमेशा ही, दुआओं का वो पहरा याद आता है। झुर्रियों से भरा वो खुर दरासा माँ का न्यारा हाथ, मुलायम गालों पे मेरे वो पसरा याद आता है, मुलायम गालों पे मेरे वो क्या कह रहे हैं आप, पसरा क्या कह याद रहे हैं। आता है। शुक्रिया। भले ही हो गए हैं हम बड़े यूं उम्र से, अब तो भले ही हो गए हैं हम बड़े यूं उम्र से, अब तो सामने माँ के वो ही नाजो नखरा याद आता है, अरे क्या बात है मैम, सामने क्या कह रहे हैं आप, माँ क्या कह रहे के हैं, वो बहुत बहुत ही बहुत नाजो नखरा। हम पांच बहनें हैं, और जब माँ के यहाँ जाते हैं कोई साड़ी अच्छा वाड़ी जी, होती है, सब अपने अपने चुनते हैं, अपने नखरे दिखाते हैं। ठीक है इस जी, बात पे ठीक मैंने ये शेर है। कहा। अरे और क्या माँ बात का है, क्या कैसा बात रिश्ता होता है, आसमां का परिंदों से, गुलों का जो है गुलशन से, वही तो माँ से रिश्ता अपना गहरा याद आता है, वही तो माँ से रिश्ता अपना गहरा याद आता है, हमेशा ही दुआओं का वो पहरा। और आप जानते हैं कि दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन लड़कियां आज भी इस सदी में भी महफूज नहीं है। उस बात को मैंने माँ से ताल्लुक रखते बिल्कुल हुए ये शेर कहा है। स्वागत है स्वागत। सांझ ढलते ही घर आना, न भूलू कहना बेटी से, जवां बेटिया मेरी है माँ का खतरा याद आता है, जवां क्या बात, बेटिया मेरी है माँ का खतरा याद आता है, हमेशा ही दुआओं का वो पहरा। और आप जानते हैं कि लड़कियां पराया धन कहते हैं लोग, और ससुराल चली जाती हैं और मैका छूट जाता है, तब क्या होता है, कहां मैके की वो गलियां, वो सखियां नूरी और राधा,
भीगे मौसम में झूलूं संग वो बदरा याद आता है, भीगे मौसम में झूलूं संग वो बदरा याद आता है। और जब बाबुल नहीं रहे और तन्हा माँ रह जाती है, तब मैं ये खास शेर कहती हूँ पिता के नाम, माँ के नाम। वो आंगन नीम का सूना जहाँ बाबा की थी कुर्सी, वो आंगन नीम का सूना जहाँ बाबा की थी कुर्सी, वहीं पे तन हमाका वक्त ठहरा याद आता है, वहीं पे तन हमाका वक्त ठहरा याद आता है, हमेशा ही दुआओं का वो पहरा याद आता है। और आखिरी बंद प्रस्तुत करती हूँ, माँ की बोझिल सी जिंदगानी दुख और दर्द के साए, खिली बगिया बनी क्यों आज सहरा याद आता है, खिली बगिया बनी क्यों आज सहरा याद आता है, हमेशा ही दुआओं का वो पहरा याद आता है। कितनी मुश्किलें हो माँ का चेहरा याद आता है। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत 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 जी। खूबसूरत और तरन्नुम में जो आपने गाया, थैंक यू, बहुत ही धन्यवाद, धन्यवाद। ये जो सच है, जो इस बाबा का कुर्सी पे और माँ का याद आना, ये ऐसे एहसास हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं और शायद ये एक संपत्ति के तौर पर हम इन्हें संजोए भी रखते हैं, संजोए भी रखते हैं। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। पढ़ते हैं भाई अनंत की तरफ। अनंत जी शुरुआत करें आप। मैं एक गजल का एक मतलब और कुछ शेर सुनाता हूँ। बिल्कुल विशाल, मैं पहले से तरन्नुम में जरूर सुनाता, लेकिन मैडम को सुनने के बाद, शकुंतला जी को सुनने के बाद मुझे जो है अच्छा आप जिस भी फॉर्म में कंफर्टेबल हो आनंद जी, हम आपको सुनना चाहते हैं। मतलब है कि घर से निकल के रोज जब घर लौट ना दू घर लगे, क्या कहने, घर से निकल के रोज जब घर लौट ना दू घर लगे, तब इस जहां में जो जगह वीरान है वो घर लगे। क्या बात है, क्या कहने अनंत भाई, बहुत खूबसूरत। घर से निकल के रोज जब घर से निकल के रोज लौट ना दू घर लगे, तब इस जहां में जो जगह वीरान है वो घर लगे। क्या बात है, यूं तो हुनर भी थे कई, यूं तो कुछ मंजिलें भी पास थी, यूं तो हुनर भी थे कई, कुछ मंजिलें भी पास थी, कुछ मंजिलें भी पास थी, पर उम्र भर हम गलतियां करने में पेशेवर लगे। अरे क्या बात है, क्या बात, सुभान अल्लाह। मुकर्रर भाई, मुकर्रर भाई, शुक्रिया भाई, अनंत भाई। यूं तो हुनर भी थे कई, यूं तो हुनर भी थे कई, कुछ मंजिलें भी पास थी, पर उम्र भर हम गलतियां करने में पेशेवर लगे, पेशेवर लगे। क्या बात है, क्या बात है। एक बात तेरी रुखसती के हादिसा ये भी रहा, आहा क्या कहने भाई, एक बात तेरी रुखसती के हादिसा ये भी रहा, जितने जमा थे दर्द सारे, जितने जमा थे जिंदगी सदमे सभी यकसर लगे। अरे क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, क्या कहने आनंद भाई,
बहुत खूबसूरत। एक बात तेरी रुखसती, शुक्रिया, के हादसा ये भी रहा, जितने जमा थे जिंदगी, सदमे सभी यकसर लगे। और एक शेर है इसमें कि मानो सुनाए अनसुनी, बाए जहां की दास्तां। मानो सुनाए अनसुनी, बादे जहां की दास्तां, खुलने लगे हैं राज जब से दर्द पैगंबर लगे। क्या कहने भाई। मानो सुनाए अनसुनी, बादे जहां की दास्तां, खुलने लगे हैं राज जब से दर्द पैगंबर लगे। क्या बात है, बहुत ही अच्छे मकता है। इशाद, इशाद भाई, अपनी जिंदगी के एक लंबा वक्त जो है मैंने बहर में नहीं लिखा। अच्छा, तो क्या बात बहर है? में लिखते हुए कम वक्त हुआ, 3 महीने ही हुए। अच्छा, लेकिन मैं जब बहर में नहीं भी था तो भी मुझे शायर कहते थे कुछ लोग। अच्छा। तो इस बात से खफा भी थे। अरे क्या बात है, तो ये मकता उन लोगों के नजर है। अरे क्या बात है, कैसे भला मुझको बता, हासिल कैसे भला मुझको तुझको अनंत। क्या बात है, कैसे भला मुझको बता, हासिल हुनर तुझको अनंत, के दर्द में रोता हुआ बेबहर भी शायर लगे। क्या कहने भाई, क्या कहने अनंत भाई, बहुत खूबसूरत। कैसे भला मुझको बता, हासिल हुनर तुझको अनंत, के दर्द में रोता हुआ बेबहर भी शायर लगे। शायर लगे, क्या बात है, बहुत शुक्रिया सर। क्या बहुत अनंत भाई, बहुत 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 उम्दा गजल। और जिस उम्र के आप जिस पड़ाव में हैं, आप अभी अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और माशाल्लाह जो आपको देखने पर लगता है वो शायर, शायद मैं एक पाठक के तौर पर अगर आपको सुनता हूँ, अगर आपको मैं पढ़ता हूँ, तो मुझे बहुत एक एक रूहानी एहसास मिलता है अनंत भाई। बहुत बहुत आपको दुआएं मोहब्बत। आगे बढ़ते हैं। मेरा एक सवाल एक पाठक के तौर पर शकुंतला जी आपसे और अनंत भाई आपसे, कि एक शायर के तौर पर जब हम लिखना शुरू करते हैं तो क्या किसी शख्स को एक एक शायर के तौर पर तराशा जा सकता है? क्या जो नौजवान पीढ़ी जो बहुत 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 अच्छा लिखा भी जा रहा है, बहुत अच्छा पढ़ा भी जा रहा है, और ऐसे भारत में ऐसे सैकड़ों लोग शायर हैं जो लिख रहे हैं, अपने आप को तराश रहे हैं, लेकिन एक शायर का टैग उन्हें मिल नहीं पाता है। पता नहीं क्या किस तरीके से उन्हें क्या नहीं मिल पाता है, या एक शायर का टैग उन्हें नहीं मिल पाता है, तो कैसा फील करते हैं? मैं बहुत सारे ऐसे नौजवान, मेरे एज ए टीचर मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, तो मैं जानता भी हूं कि उसमें क्या होना चाहिए। तो मेरा सवाल शकुंतला जी से कि क्या एक शायर के तौर पर उन्हें तराशा जा सकता है, या हम ये कहें कि मैंने मनोज मुंतशिर एक बार कहते हुए सुना कि शायर पैदा ही होते हैं, शायर बन नहीं सकते हैं, तो शायद आप इस बारे में और कुछ बता पाए शकुंतला जी। अनंत जी आप बताएं। हाँ, देखिए मनोज भाई ने जो बात कही उसका, उनका कहने का तात्पर्य शायद ये था कि आदमी जो है एक अलग नजर के साथ पैदा होता है। वो जो एक अलग नजर होती है, जो एक अलग नजरिया होता है, वो हर एक आम इंसान की जिंदगी में आ नहीं पाता है। उसकी वजह ये है कि बहुत से काम होते हैं। आपको अपनी जो फैमिली है उसको देखना होता है, आपको अपनी नौकरी की चिंता होती है, अपने रिश्तेदारों की चिंता होती है, तो उस नजर की तरफ ही आपका नजर नहीं जाता। मैं तो ये मानता हूँ कि हर इंसान में एक आर्टिस्टिक नजर होती है, लेकिन उस नजर की तरफ आपका गौर जाए वो तभी होता है जब आप बहुत तन्हाई में हो, या आपको ये दुनिया पसंद ना आ रही हो, या आपको कुछ दिक्कत हो इस दुनिया से, इस दुनिया के लोगों से, तब आप तो अनंत भाई अंदर की तरफ रुख करते हैं। अगर मेरे साथ सब कुछ ठीक चल रहा है मेरी जिंदगी में, तो मैं शायर तो नहीं बन सकता हूँ, क्या आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, आपके साथ अगर सब कुछ सही चल रहा है, मैंने बहुत पहले, मैं बहुत छोटा था, 17-18 साल का था, तब मैंने गाना लिखा था,
अरे क्या बात है, लाइनें चाहेंगे आप दर्शकों से, आप बिल्कुल बिल्कुल आप शेयर करें हमारे साथ। वो आपके सवाल का जवाब है कि अगर आप खुश हैं या अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ सही है तो क्या आप शायर नहीं बन सकते। उसका जवाब ये है कि फूलों की सेज जो होती दुनिया, फूलों की फिर भी अलग ये ना ही होती, फूलों की सेज जो होती दुनिया फिर भी अलग ये ना ही होती, पाके सारी खुशियों को ये अखियां गम की कमी से रोने लगती। अरे क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। तो आपको जब सब कुछ मिल जाता तो बुद्ध को सब कुछ मिला हुआ था, गौतम बुद्ध को सब कुछ मिला हुआ था, ठीक बात है, उनको गम ही इस बात का था कि मुझे सब मिला हुआ है, मेरे मैं तो देखने के लिए ही नहीं है, मेरे पास तो कुछ करने के लिए ही नहीं है। देखिए बुद्ध का जो एग्जाम्पल आपने लिया वो माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसा एग्जाम्पल है आनंद भाई, जो अपने आप में हजारों जो एग्जाम्पल्स उनको समेटे हुए है। बिल्कुल ठीक बोला आपने आनंद भाई, ये गजल हम चाहेंगे आप एक। जरूर जरूर, एक गजल से और नवाजे आप। जी जरूर, ये जो है अब आज के वक्त में तो ये शायद गजल का जो मतला है वो फिट नहीं बैठता, क्योंकि आज तो व्हाट्सएप है और मैसेंजर्स हैं, लेकिन एक वक्त था कि इश्क में पहली चिट्ठी देने का जो सिलसिला होता था वो बड़ा रोचक सिलसिला होता था और बड़ा कश्मकश भरा सिलसिला होता था। उसका एक रोमांच होता था आनंद भाई, उस चिट्ठी का जो रोमांच है वो लिफाफे से निकलने तक का सफर, और वो रोंगटे खड़े हो जाने। अब मैं शायद जो है वो चिट्ठी शायद माँ की तरफ से आए, महबूबा की तरफ से आए, आपके दोस्त की तरफ से आए, लेकिन उस चिट्ठी का एक रोमांच था, वो किसी की तरफ से भी आए, वो लिफाफे से निकल के, और वो पहला जब हम लाइन उसकी पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत उम्दा रहता है। शकुंतला जी हमारे साथ तकनीकी खामियों की तरफ से डिस्कनेक्ट हो गई थी, दोबारा जुड़ चुकी हैं। मैम स्वागत है आपका दोबारा। एक एक सवाल जो छूट गया था वो मैम एक एक आज के माहौल में हम ये कहते हैं, पहले एक कविता का शीर्षक राम का नाम से हुआ करता था, लेकिन उसके बाद सबसे छोटा शब्द माँ जो है उसने कविता का शीर्षक का जो रूप ले लिया। तो ऐसी माँ के नाम मैं अपनी सब चीजें कुर्बान करना चाहती हूँ अपनी इस नज्म के माध्यम से। स्वागत है, स्वागत है। मेरी माँ को ये प्रस्तुत है नज्म। मैं चाहूँ माँ जमी और आसमां तेरे नाम पे कर दूं, चांद सूरज सितारों को माँ तेरे नाम पे कर दूं, तू है माँ गुल गुले गुलजार, मैं के मेरी धड़कन, मैं सदियों की बहारों को माँ तेरे नाम पे कर दूं, मैं सदियों की बहारों को माँ तेरे नाम पे कर दूं। मेरे लिए माँ क्या है, मेरी आंखों की पुतली तू, मेरे लब की इबादत है, रहे कुर्बान मेहरबान तू, माँ तेरी ये इनायत है, मेरी नजरों के सब आंसू तेरी नजरों से बहते माँ, सांस धड़कन मेरी माँ, जिंदगी तेरे नाम पे कर दूं, सांस धड़कन मेरी माँ, जिंदगी तेरे नाम पे कर दूं। शुक्रिया सारस्वत जी। समंदर तू मोहब्बत का, तू दरिया सिर्फ राहत का, मेरी उम्मीदों की बदरी तू जरिया सिर्फ राहत का, मेरी खुशियों का झरना तू लहर तू सिर्फ ममता की, ये गीता बाइबलो कुरान माँ तेरे नाम पे कर दूं। क्या बात है, ये गीता बाइबलो कुरान माँ तेरे नाम पे कर दूं। और कहती हूँ माँ का कैसा रूप होता है, तू ख्वाबों की रंगोली माँ, मेरी किस्मत की बंधनवार, तू मेरा व्रत मेरा रोजा,
माँ तू सारे मेरे त्योहार, तो रब की दूसरी सूरत नूर तेरा गजब का माँ, ये मंदिर मस्जिदे गिरजे माँ तेरे तेरे नाम नाम पे पे कर कर दूं, दूं, क्या ये कहने, मंदिर बहुत सुंदर, मस्जिदे गिरजे माँ तेरे नाम नाम पे पे कर कर दूं। दूं, तेरी नजरें तबरुक है, माँ की आंखों से पता लग जाता है कि वो रूठी है या खुश है, तबरुक मतलब प्रसाद, चेहरे तेरी चेहरे पे आप नजरें, तेरी नजरें तबरुक है, तेरी बोली दुआओं सी, तेरे कदमों में जन्नत माँ, हथेली रब के सायों सी, तेरे आगोश में हर दम पिघलते मेरे रंजो गम, मेरी दौलत मेरी दुनिया माँ तेरे तेरे नाम नाम पे पे कर दूं, कर दूं, क्या बात है, मारी मेरी दौलत मेरी दुनिया माँ तेरे नाम पे कर दूं। और जीवन के हर पड़ाव में माँ हमेशा साथ हुआ करती है, इस नज्म के इस बंद में मैंने ये बात कही है। मेरी मंजिल की तू दैरी, भरोसों का झरोखा तू, हौसलों की मेरी खिड़की, तमन्नाओं का झोंका तू, दरो दीवार दरवाजा मेरा घर तू मेरा जीना, मेरे जीवन की सीढ़ी भी माँ होती है। बिल्कुल दरो दीवार दरवाजा मेरा घर तू मेरा जीना, माँ मेरे रात दिन चारों पहर तेरे नाम पे कर दूं, माँ मेरे रात दिन चारों पहर तेरे नाम पे नाम पे कर कर दूं। दूं। और आखिरी बने नज्म में मैं कहती हूँ, सुकून और चैन देती है तेरे दामन की माँ सोहबत, मेरी हसरत तेरी खिदमत सिर्फ लिखे तेरी रहमत, हर्फ मेरा लफ्ज मेरा बोल मेरा, मत तू है सिर्फ मेरे नगमे गजल माँ, शायरी तेरे नाम तेरे पे नाम पे कर कर, दूं, क्या बात मेरे नगमे गजल सब शायरी तेरे नाम पे कर दूं, ये नज्म भी माँ के नाम करती हूँ। मैं चाहूँ माँ जमी और आसमां तेरे नाम नाम पे पे। कर दूं, चांद सूरज सितारों को माँ तेरे नाम पे कर दूं। तो शुक्रिया सरस्वत जी, मुझे सिटी बहुत लाइव बहुत में शुक्रिया मैम, पहली बार बहुत आने बहुत का, शुक्रिया, इस और दहलीज पे बहुत आने का आज मौका बहुत मिला, बहुत मजा आया आज, बहुत और बहुत शुक्रिया, खूबसूरत कलाम आपने नवाजा हम सभी को, शुक्रिया और शुक्रिया सिटी लाइव सुनने वाले सभी दर्शकों को आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और मदर्स डे पर जो उपहार स्वरूप हमें आज नज़में मिली हैं मैम की तरफ से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया आज मदर्स डे पर मैं एक मुनव्वर राणा के शेर से इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूंगा कि ये वो जी। कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, जब तक मैं घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। बहुत तो अच्छा बहुत दर्शकों का अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सिटी लाइव से यूं ही जुड़े रहें और देखते रहें कि जिंदगी क्या करवट ले रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। City Live, a platform to sharing your thoughts.